हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग इरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं, यदि दो क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया जाए और दोनों में एडर हो तो फाइनल रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीख लिया था। इस वीडियो में हम लोग डिवीजन और यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी पे पावर हो, इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी डैश्ड बाई पावर, देन हाउ टू कैलकुलेट फाइनल रिजल्ट इन एरर, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिवीजन में। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद इस पे आते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, यदि 1 + x^2 यदि n है और x का वैल्यू यदि 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 + nx लिखते हैं। ठीक ना, इसको हम लोग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेट हो गया ये। 1 + x^n का वैल्यू जो है 1 + nx के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 1.001 का स्क्वायर है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख सकते हैं ना 1 + 0.001 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 1.0002 हो जाएगा, तो ये 1.002 आ जाएगा। यही पावर 3 होता तो यहाँ 3 आ जाता, 4 होता तो 4 आ जाता, समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यदि ऐसा अप्रॉक्सीमेशन पे आ गया तो आप ऐसे करोगे। इसी पे यदि मैं एक और क्वेश्चन करूँ, तो जैसे देखिए कहीं पे दिया हुआ है 4.001^4 दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखो 4 + 0.001^4 ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें से 4 को कॉमन निकाल लो आप, तो 4 को जब कॉमन निकालोगे 4^4 आ जाएगा, बाहर निकलेगा ये 4, तो 4^4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1.001/4^4 बच जाएगा, ऐसा कुछ बचेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, कितना आ जाएगा 4^4। अब ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 0.001। तो इसका फाइनल आंसर कितने के बराबर हो गया? इसको यदि मैं फाइनल रिजल्ट लिखूं तो 4^4 हो गया इंटू 1.001 के बराबर हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन आप करते रहिए, ये बाद की बात है। तो ये मैंने एक मोटा मोटी समझाया कि यदि 1 + x पे पावर n है और x यदि बहुत छोटा है तो ये पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिवीजन वाले पे चलते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी जिसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। और आने वाले टाइम में एक बैच भी मैं अनाउंस करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट यूट्यूब से मेरे से जुड़े हुए हैं और आकाश इंस्टीट्यूट में मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सबों के लिए मैं एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कब स्टार्ट होने वाला है, क्या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिर इसमें हम लोग डिवीजन वाले पे चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। x + -Δx है और y + -Δy है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिवीजन में है। यहाँ पे z + -Δz है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म है जो ये जो पार्ट है ये डिवीजन में है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसे करना है आपको, देखिए Δz है ये तो सही है, यहाँ पे x + -Δx है ये भी सही है। यहाँ से क्या करना है आपको, y को कॉमन कर लेना है, तो ये 1 + Δy / y हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ऊपर वाले से x यदि कॉमन कर लोगे तो ये x 1 + Δx / x आ जाएगा और नीचे में y 1 + Δy / y आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको?
ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ गई तो अब फाइनल रिजल्ट के हम लोग बहुत करीब हैं। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, ये x बाई वाई हो गया, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स हो गया, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई हो गया टू दी पावर माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है। 1 बाई एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, x टू दी पावर माइनस 1 लिखते हैं, तो रेसिप्रोकल को हम लोगों ने डिनोमिनेटर को जब नोमिनेटर में लिखा है तो माइनस 1 पावर में देना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एरर जो होता है किसी भी वैल्यू में, किसी भी क्वांटिटी में जो एरर होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो ये जो डेल्टा वाई जो है ये बहुत छोटा है, तो 1 प्लस ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी टू द पावर माइनस 1, तो ये माइनस 1 क्या इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, बिल्कुल ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो फाइनल इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x बाई वाई, ये सही है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, ये भी ठीक है। यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे 1 ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, डेल्टा y बाई वाई हो गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब एक बात समझिए, ये माइनस प्लस लिखे या प्लस माइनस लिखे, ये दोनों ही बातें सेम हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से बोला कि अरे यार हमको फ्रिज लेना है जो तुम्हारे घर पे है, वो कितने का पड़ेगा, तो दुकान वो क्या बोलेगा कि देखो मैंने तो एक साल पहले लिया था, मैंने 22,000 में लिया था, अब एक साल बीत चुका है तो 22,000 कुछ हज़ार डेढ़ हज़ार रुपया ऊपर नीचे मान लो, या 2,000 रुपया ऊपर नीचे मान लो, मतलब वो क्या बोल रहा है, या तो 20,000 में आपको मिलेगा या तो 24,000, मतलब 20 से 24 के रेंज में आपको मिलना है, 2,000 ऊपर नीचे मान लो, तो रेंज क्या हो गया 20 से 24। यदि वो बोलेगा 2,000 नीचे ऊपर मान लो तो क्या होगा रेंज, तो भी तो वही होगा ना, दो घटा लेना है, दो जोड़ देना है, वो रेंज में मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस प्लस है इसका मतलब वही है जो पहले प्लस माइनस था, तो ये जो माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे याद रखिएगा कि एडर में कहीं पे भी प्लस माइनस है और कहीं पे भी माइनस प्लस है, ये दोनों ही बातें सेम है, सेम, ठीक है। ये शक्तिमान और गंगाधर है, दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस प्लस माइनस है, तो अब यहाँ पे यदि मैं इसको लिखूँ तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का जो वैल्यू आएगा देखिएगा क्या आएगा, एक्स बाई वाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, ये फाइनल आ गया। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ और निकल जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का वैल्यू, डेल्टा जेड का भी वैल्यू निकल जाएगा, जेड का भी वैल्यू निकल जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब हम लोग रिजल्ट के बहुत करीब हैं, देखिएगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का जो वैल्यू है ये आ गया एक्स बाई वाई, ये तो ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 से प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा, और फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स हो जाएगा, फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। फिर से यहाँ पे एक और बात निकल के आ रहा है कि यहाँ पे दो एडर का मल्टीप्लीकेशन है, एडर ऑलरेडी छोटा होता है, तो छोटा इंटू छोटा नेग्लिजिबल हो गया, छोटा इंटू छोटा क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। जैसे एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता है, वो 2 घंटा पबजी खेलता था, ठीक है। एक और इस सोसाइटी में एक लड़का आ गया, वो 3 घंटा पबजी खेलता था, अब दोनों मिल गए हैं और 5 घंटा पबजी खेलते हैं, तो सोच सकते हैं छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा, नेग्लिजिबल हो गया, दोनों एक दूसरे को नेग्लिजिबल कर दिया, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ये नेग्लिजिबल हो गया, तो जो फाइनल बचेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का जो वैल्यू बचेगा वो होगा एक्स बाई वाई, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, ये नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। तो अब यदि आप इसको रिलेट करें
रिलेट करें तो क्या वैल्यू आएगा, जरा देखिएगा। इसको रिलेट कर रहा हूँ मैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाई वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स बाई वाई। ये एक्स बाई वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। ये प्लस माइनस कॉमन आ चुका है तो कुछ ऐसा आएगा। अब यदि इसको रिलेट करें तो आपको साफ पता चल रहा है कि जेड का वैल्यू एक्स बाई वाई के बराबर है और डेल्टा जेड का वैल्यू एक्स बाई वाई डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई के बराबर है। और यदि ये डेल्टा जेड निकल गया, जेड निकल गया तो रिलेटिव एरर भी एक तरीके से निकल गया। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड। तो डेल्टा जेड बाई यदि मैं जेड कर दूं, एक्स बाई वाई इसमें भी एक्स बाई वाई, ये इस दोनों कट जाएगा, बच जाएगा फाइनल डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। ये रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से एक बात पता चल रही है, रिलेटिव एरर इन x बाई वाई इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन y। ये बात पता चल रहा है, रिलेटिव एरर इन x बाई वाई इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन y। रिलेटिव एरर में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो परसेंटेज एरर बन जाता है। तो यदि इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, बिल्कुल। तो परसेंटेज एरर इन एक्स बाई वाई इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। फाइनल वैल्यू आ गया, डिवीजन में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यदि डिवीजन में रहेगा तो भी वही होगा जो मल्टीप्लिकेशन में होता था। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन वाला भी मैं यदि लिखूं तो परसेंटेज एडर इन एक्स इंटू वाई इक्वल टू परसेंटेज एडर इन एक्स प्लस परसेंटेज एडर इन वाई, ठीक है। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि यदि x के पास 4% का एडर है और y के पास यदि 2% का एडर है तो x इंटू वाई के पास कितना परसेंट का एडर होगा? 4% प्लस 2%। और x बाई वाई के पास कितना परसेंट का एडर होगा? 4% प्लस 2%, वही 2%, तो 6%, ये भी 6%। मतलब मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों ही सेम तरह का है, दोनों ही एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज एरर यदि निकालने जाइएगा तो रिलेटिव एरर में जिस तरीके से परसेंटेज मल्टीप्लीकेशन वाले में जिस तरीके से परसेंटेज एरर आता है, डिवीजन वाले में भी उसी तरीके से परसेंटेज एरर आपको मिलेगा। ये बातें हम लोगों को पता चली इसमें, ठीक है। तो आप इसको लिख लें, फिर मैं इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी पे पावर हो तो फिर कैसे एडर हम लोग कैलकुलेट करते हैं? लिखिएगा, इफ फिजिकल क्वांटिटी रैज्ड बाय सम पावर, इफ फिजिकल क्वांटिटी रैज्ड बाय सम पावर। जैसे देखिए, जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है, ठीक है ना, जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है, ऐसा कुछ क्वांटिटी है, ऐसा कुछ टर्म है। ऐसे तो टर्म होगा नहीं, एक्चुअल में होगा कैसे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू होगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स टू दी पावर एन होगा, ऐसे होगा ना, समझ रहे हो आप लोग? यदि ये ऐसे है, आप यदि इसमें से एक्स को कॉमन करते हो तो ये क्या बचेगा, जरा देखना। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का जो वैल्यू है, इसमें से एक्स यदि कॉमन करते हो तो ये एक्स टू दी पावर एन बाहर आ जाएगा और ये बचेगा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स टू दी पावर एन, कुछ ऐसा बचेगा। अब इसको ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा टर्म है,
ये तो एकदम नन्ना मुन्ना टर्म है, छोटा मोटा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का जो वैल्यू है वो आ गया एक्स टू दी पावर एन वन प्लस माइनस एन डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का वैल्यू आएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहां यदि आप ये बात समझ रहे हो कि ये ऐसा हो जाएगा, तो क्या जेड को हम लोग एक्स टू दी पावर एन लिख देंगे, ये इससे रिलेट हो गया, और क्या डेल्टा जेड को हम लोग एक्स टू दी पावर एन इंटू एन डेल्टा एक्स बाई एक्स लिख देंगे। मैंने इसको इसलिए नहीं कट किया कि ऑलरेडी ये कटने ही वाला है फाइनल में, तो इसको इससे क्या कट किया जाए। अब यहाँ पे ये निकल चुका है, अब रिलेटिव एरर बहुत आसानी से आ गया, क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड बाई जेड। तो रिलेटिव एरर का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, मतलब यदि जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है तो परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल टू एन टाइम्स परसेंटेज एरर इन एक्स, ये पता चला। मतलब ऐसा मान लो कि जेड इक्वल टू यदि एक्स टू द पावर फोर है और एक्स के पास 1/2% का एरर है, तो जेड के पास कितना परसेंट का एरर होगा, 1/2 × 4% का, मतलब 2% का एरर होगा जेड के पास। ये पता चली बात हम लोगों को, तो ये हो गया डिवीजन वाले केस का। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से किस तरीके से एरर एनालिसिस को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम लोग ये बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो, अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात होने वाली है। ठीक है, कि कैसे ट्रिकी वे में हम लोग एरर एनालिसिस को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत टफ से टफ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले मेथड से ही बनता है। ठीक है, ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन जो आएगा ना वो बन जाएगा, लेकिन कोई टफ क्वेश्चन यदि आ गया तो वो डिफरेंशिएशन वाले मेथड से ही एरर एनालिसिस का क्वेश्चन बनेगा। तो वो भी सीख लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से कैसे एरर एनालिसिस के क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए सर, अब हम लोग सीख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन के मेथड से कैसे एरर एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए, जैसे जेड इक्वल टू मान लेते हैं एक्स प्लस वाई है, निश्चित तौर पे जेड जो होगा वो एक्चुअल में जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा, एक्स जो होगा वो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स होगा, वाई जो होगा वो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन के मेथड में डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स को एरर नहीं माना जाता है, डी एक्स को एरर माना जाता है, डी जेड को एरर माना जाता है, डी वाई को एरर माना जाता है। मतलब एरर के टर्म में यदि जेड को लिखना है तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डी जेड, डी के टर्म में एक्स को लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस डी एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। समझ गए, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, यदि इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या आता है, देखिएगा, ये तो डेटा वाला टर्म हो गया, तो फाइनल जो आप कहते हैं ट्रू वैल्यू वाला टर्म हो गया ये जेड इक्वल टू एक्स, लेकिन एडर वाला टर्म कैसे होगा, तो इसको टी के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या डी जेड बाई डी टी होगा, क्या ये डी एक्स बाई डी टी होगा, क्या ये डी वाई बाई डी टी होगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन में परेशानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों दिया हुआ है, आप जाके आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो dz इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, डी टी डी टी कैंसिल हो गया तो dz इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स प्लस डी वाई हो गया। ठीक है, dz क्या है, dz क्या है, एरर इन z, एरर इन z है, समझ में आ गई बात। dx क्या है भाई, एरर इन एक्स है, और डी वाई क्या है,
एडर इन वाई है, समझ गए इस बात को? तो ये कुछ है, तो जेड में जो एडर होगा वो एक्स में एडर और वाई में एडर के सम के बराबर होगा, ठीक है? ये बात यहां से पता चली हम लोगों को। और तो रिलेटिव एडर यदि निकालेंगे, रिलेटिव एडर इन जेड, तो एडिशन वाले में कैसे निकालेंगे, तो जेड बाई डी जेड हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई हो जाएगा, सॉरी डी जेड बाई जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, डी एक्स प्लस डी वाई बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, उल्टा लिखा गया था, ठीक है? तो ये समझ गए ना, ऐसे हो जाएगा, रिलेटिव एडर की बात ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है? रिलेटिव एडर नहीं, जेड ऐसे निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन का मेथड से बहुत आसान है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ वैसे भी नहीं था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जब बात कीजिएगा तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। जो दो मिनट में का क्वेश्चन जनरल मेथड से बनेगा, वही डिफरेंशिएशन वाले मेथड से सेकेंड में बन सकता है, देखिएगा आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे सब्ट्रैक्शन की बात यदि होगी तो एक्स माइनस वाई है, तो डी जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि एडर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एडर हमेशा ऐड होता है। एडर एक गलती है, एक गलती के बाद उसको छुपाने के लिए दो दूसरा गलती कीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ गलती कितना हो गया, दो। उसके बाद एक और गलती कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तीन, ठीक है? तो ये गलतियाँ हैं जो कि कम नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जरूर है डेटा में, लेकिन जब आप एडर की बात करेंगे तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई, क्योंकि एडर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो जेड प्लस माइनस डी जेड को क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डी एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ पे रिलेटिव एडर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन वाले केस में, डी एक्स प्लस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि एडर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए ऐसे करके हम लोग रिलेटिव एडर निकालेंगे। यदि परसेंटेज एडर की बात होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, डी एक्स प्लस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू 100 कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग परसेंटेज एडर निकाल लेंगे सब्ट्रैक्शन वाले केस में, समझ गए आप? इरेज करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट की, उसमें एडर कैसे निकालते हैं अब हम लोग देखते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत आसान है, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तुरंत तुरंत आप लोग सीख जाइएगा। देखिएगा, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी टी के टर्म में, तो ये हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस, यहाँ पे एक को कॉन्स्टेंट रख के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट रख के पहले को डिफ्रेंशिएट करना है, यू इन टू वी के फॉर्म में, इसमें ऐसे ही होता है। तो वाई को कॉन्स्टेंट रख के मैंने एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, फिर एक्स को कॉन्स्टेंट रख के मैंने वाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी टी डी टी दोनों तरफ है कट जाएगा, तो डी जेड इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। देखिए, मैं डी टी से जो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे मैथमेटिक्स यदि आपका बहुत अच्छा है तो आप सीधा समझ सकते हैं कि जेड यदि एक्स वाई है तो डी जेड का वैल्यू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई के बराबर होता है, ठीक है? ऐसा कुछ होता है, आप इसको लिख लें। अब देखिए, डी जेड क्या है, एडर इन जेड, ठीक है? और जेड क्या है, एक्स इंटू वाई के बराबर। तो यहाँ पर यदि हम लोग रिलेटिव एडर इन जेड निकालेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, डी जेड बाई जेड के बराबर हो जाएगा, डी जेड बाई जेड के बराबर हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई एक्स इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। तो रिलेटिव एडर इन जेड जो होगा ये डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई बाई वाई हो जाएगा, मतलब रिलेटिव एडर इन एक्स इंटू वाई इक्वल टू रिलेटिव एडर इन एक्स प्लस रिलेटिव एडर इन वाई के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डिवीजन में भी यही आता है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ डिवीजन वाले में, ठीक है? जैसे जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स बाई वाई, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है टी के टर्म में, तो डी जेड बाई डी टी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ये वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी बाई वाई स्क्वायर।
uy भी रेसिप्रोकल, तो नोमिनेटर में है x, डिनोमिनेटर में है y, तो y को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन dx by dt, x को कांस्टेंट रख के y का डिफरेंशिएशन dy by dt। अब dt dt को कट कर दिए तो dz का वैल्यू आ गया y dx माइनस x dy बाई वाई स्क्वायर। एडर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, फिर से वही माइनस आ गया बीच में, माइनस को प्लस कर देते हैं क्योंकि एडर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो dz इक्वल टू हो जाएगा y dx प्लस x dy बाई वाई स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है ये ऐसा बन गया, क्यों? क्योंकि एडर जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एडर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इस कारण से माइनस वाला प्लस बन जाता है। ठीक है, यदि आप ऐसा लिख रहे हैं तो आप बहुत आसानी से आप ये भी बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे एडर का वैल्यू किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये dz का वैल्यू निकल चुका है, अब रिलेटिव एडर हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि z निकला हुआ है x बाई वाई, dz का वैल्यू हमने निकाल लिया है, dz बाई z ही तो रिलेटिव एडर होता है ना। तो बस क्या करना है, अब z से डिवाइड कर देना है। देखिए तो यहां पे यदि रिलेटिव एडर इन z की बात की जाए तो ये होता है क्या, dz बाई z, और dz का वैल्यू ये आ गया है y dx प्लस x dy बाई y स्क्वायर आ गया है, बाई z करना है और z का वैल्यू कितना है x बाई वाई, बाई z करना है तो y बाई x हो जाएगा, ऊपर y चला जाएगा और नीचे x आ जाएगा, 1 बाई z करना है तो y से y कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स वाई हो गया, मतलब y dx x dy बाई एक्स वाई। तो रिलेटिव एडर इन z या x बाई वाई इक्वल टू हो गया dx बाई x प्लस dy बाई y। ठीक है, मतलब रिलेटिव एडर इन x बाई वाई इक्वल टू रिलेटिव एडर इन x प्लस रिलेटिव एडर इन y, ये पता चल गया। डिफरेंशिएशन के मेथड से भी हम लोगों ने सीख लिया, सही है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वही वाला अंतिम टर्म की जिसमें पावर में था। ठीक है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड बाय सम पावर, तो उस केस में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडर का वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ें, देखिएगा, जैसे मान लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है, जेड इक्वल टू क्या है एक्स टू द पावर एन, और यहां पे क्या है मैं dz by dt कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा x टू द पावर n मल्टीप्लीकेशन में n माइनस वन, और यहां पे आ जाएगा dx by dt। अब dt dt कैंसिल आउट हो गया, dz का वैल्यू आ गया n x टू द पावर n माइनस वन इंटू dx, आ गया ना dz का वैल्यू, अब बस डिवाइड कर देना है z से, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से dz by z यदि हम कर दें तो n इंटू x n माइनस वन dx बाई एक्स टू दी पावर एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है, यहां पे एक्स टू दी पावर एन है, तो dz बाई z का वैल्यू, वैसे तो ये वन बाई एक्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ये है और ये ऊपर चला गया तो माइनस एन हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो ये कट गया, एक्स टू दी पावर माइनस वन हो गया। ठीक है, तो dz बाई z का वैल्यू फाइनली आ गया एन डी एक्स बाई एक्स, ये आ गया, पावर वाले में यही तो आता था ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स आता था, डी के जगह पे डेल्टा आता था, वही आता था। तो हम लोग यहाँ पे यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप लिख सकते हो ना रिलेटिव एडर इन एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन इन टू रिलेटिव एडर इन एक्स, रिलेटिव एडर इन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इन टू रिलेटिव एडर इन एक्स। ठीक है, एन टाइम्स हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों को पता चल गई कि रिलेटिव एडर या परसेंटेज एडर, परसेंटेज एडर के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एडर इन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन टाइम्स परसेंटेज एडर इन एक्स, ये बात का पता चला हम लोगों को। इरेज किया जाए क्या, यदि आपको समझ में आ गया हो तो, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी बना लेते हैं, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, जैसे इस पे मैं क्वेश्चन देता हूँ,
ए के पास 1% का एडेड है, बी के पास 2% का एडेड है, सी के पास 3% का एडेड है, डी के पास 4% का एडेड है. फाइंड द परसेंटेज एडेड इन जेड जो कि मिल रहा है ए टू द पावर 2, बी टू द पावर 1/2, सी टू द पावर 1/3 और डी टू द पावर 3/4 ऐसे. ठीक है, तो इस पे पावर है, इस पे पावर है, इस पे पावर, इस पे पावर, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में, फिर फाइनली डिवीजन में. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज एडर को मैं कैपिटल ई से लिख रहा हूं. परसेंटेज एडर इन जेड इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एडर इन ए प्लस, मल्टीप्लीकेशन होता है फिर भी प्लस होता है, डिवीजन होता है फिर भी प्लस होता है, पावर होता है एन टाइम्स हो जाता है. यही करना है ना, कितना आसान है, देखिए कैसे किया है. एन 2 टाइम्स परसेंटेज एडर इन ए प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज एडर इन बी, ठीक है, प्लस 1/3 टाइम्स परसेंटेज एडर इन सी प्लस 3/4 टाइम्स परसेंटेज एडर इन, अरे सी के जगह पे डी, ये हो जाएगा. यहाँ पे डी था, सी लिखा गया था. ठीक है, अब तो परसेंटेज एडर इन जेड आ जाएगा कि नहीं? परसेंटेज एडर इन जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, परसेंटेज एडर इन जेड कितना हो जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज एडर इन ए कितना है 1% का, प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एडर इन बी, 1/2 इंटू परसेंटेज एडर इन बी कितना है 2% का, 1/3 इंटू परसेंटेज एडर इन सी, 1/3 इंटू 3, 3/4 इंटू परसेंटेज एडर इन डी, तो 3/4 इंटू परसेंटेज एडर इन डी 4 कट गया, 3 कट गया, 2 कट गया, ये 2 + 1 + 1 + 3 आ गया. ठीक है, कितना आ गया, 7% का एडर आएगा जेड के पास, 7% का एडर होगा. इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ कर देते हैं क्वेश्चन को, इसको इरेज किया जाए. जैसे एक क्वेश्चन है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा है. अब यहां पे दिया हुआ है आई का एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 2 ± 0.02 वाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, इंटेंसिटी का ये यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर. ओके, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, आई नॉट जो है ये कांस्टेंट है, और आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 3 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है. ठीक ना, अब आपको बताना है रिलेटिव एडर इन थीटा बताना है आपको. ठीक है, रिलेटिव एडर इन थीटा बताना है. अब इस क्वेश्चन को आप जनरल मेथड से नहीं बना सकते हो, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना होगा. डिफरेंशिएट कर दो इसको, di/dθ कर दो, क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा का 2 sin θ इंटू cos थीटा, यह आ गया डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो di/dθ इक्वल टू आ गया I नॉट का वैल्यू कितना है 3, तो ये 6 हो गया. साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2. ठीक है, ये फाइनली ये 3 से कट गया, ये आ गया 3√3/2, ये आ गया. तो dθ का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, dθ का वैल्यू आ गया 2/√3 dI के बराबर. 2/√3 dI का वैल्यू है 0.02, ये dθ का वैल्यू आ गया. थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, जिसको हम लोग π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू में चाहिए,
वैल्यू में चाहिए ना, एंगल रिलेटिव एरर एंगल में चाहिए, तो एंगल को ऐसा, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, रेडियन में चाहिए, तो पाई बाई सिक्स रेडियन होगा, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई सिक्स रेडियन। तो रिलेटिव एरर यदि निकालना है तो रिलेटिव एरर का मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ डी थीटा बाई थीटा, तो इसको पाई, थीटा को पाई बाई सिक्स लिखेंगे तो ऊपर सिक्स बाई पाई हो जाएगा, ठीक है, ये पाई बाई सिक्स तो सिक्स बाई पाई हो जाएगा डी थीटा, डी थीटा का वैल्यू आ चुका है, कितना आ चुका है 0.04 बाई 3√3, ओके, तो ये 2 से कट गया, तो 0.08 बाई √3π, ये आ गया रिलेटिव एरर का वैल्यू। परसेंटेज एरर निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से बना लेंगे। तो एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, आने वाले सेक्शन में कुछ और भी क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, एक और चीज छूट रहा है, रेसिस्टेंस वाला। रेसिस्टेंस यदि सीरीज में हो, पैरेलल में हो और रेसिस्टेंस के अंदर एरर हो तो कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट छूट रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी की जाए। तो जैसे रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज में यदि होता है तो वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, मतलब DR जो हो जाएगा वो DR1 प्लस DR2 के बराबर हो जाएगा। R1 में ये, मतलब R1 जो है वो एक्चुअल में क्या है, R1 प्लस माइनस DR1 दिया हुआ है, R2 जो है वो दिया हुआ है R2 प्लस माइनस DR2, ठीक है। तो यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, DR1 प्लस DR2 बाई R1 प्लस R2, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, 1 बाई R इक्वल टू होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेकेंड में चलते हैं, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब इस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 दिया हुआ है, ओके, अच्छा यदि आपको याद हो y इक्वल टू यदि 1 बाई X होता है तो 1 बाई X का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, इसको x टू दी पावर माइनस 1 लिखते हैं, dy बाई dx जब करते हैं तो ये पावर माइनस 1 x टू दी पावर माइनस 2, मतलब dy बाई dx का वैल्यू हो जाता है माइनस 1 बाई X स्क्वायर। तो यदि ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये क्या आएगा, इसको ऐसे ही करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, t के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, dr बाई dt के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, इसको t के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया जाए माइनस 1 बाई R स्क्वायर dr बाई dt, ये आ गया, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई R1 स्क्वायर dr बाई dt, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई R2 स्क्वायर dr2 बाई dt, यहाँ पे dr1 बाई dt हो जाएगा, dt dt कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो dr बाई R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा dr बाई R1 स्क्वायर प्लस dr बाई R2 स्क्वायर dr2 बाई R2 स्क्वायर ना, और dr1 बाई R1, ये आ जाएगा। इस बात को समझे, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन किया गया यहाँ पे, जैसे dy बाई dx था, y इक्वल टू 1 बाई X था तो dy बाई dx किया गया, यहाँ पे ये माइनस 1 बाई X स्क्वायर आता है ना, dy dx का वैल्यू क्या होता है माइनस 1 बाई X स्क्वायर आता है, यहाँ पे R को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई R स्क्वायर, फिर R का डिफ्रेंशिएशन dr बाई dt, R1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई R1 स्क्वायर, R1 का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dr1 बाई dt, उसी तरीके से ये आ जाएगा, dt dt कट जाएगा तो फाइनल ये आ जाएगा, क्या dr बाई R स्क्वायर, dr जो है, dr क्या है, एरर है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में, dr क्या है, एरर है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में, सीरीज में ये था, पैरेलल में कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ये समझ सकते हो, देखो यहां पे समझना, थोड़ा ध्यान देना थोड़ा सा, तो रिलेटिव एरर इन आर ये क्या होता है, dr बाई R होता है,
रिलेटिव एडर इन आर क्या होता है, डी आर बाय आर होता है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, डी आर बाय आर, तो ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इंटू डी आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाय आर टू स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। देखिए इसको यदि सॉल्व किया जाए आर इक्वल टू क्या होगा, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, ये हो जाएगा। इसको पुट कर देते हैं तो रिलेटिव एडर इन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू डी आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाय आर टू स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एडर इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। इसी में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परसेंटेज एडर इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब, है ना, कुछ ऐसा होगा। चलिए इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ और आपको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा। आर वन का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.06 और आर टू का वैल्यू दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.03। आपको बताना है आर रिलेटिव एडर इफ दिस रेसिस्टर, इफ रेसिस्टर कंबाइन इन फर्स्ट में सीरीज और सेकेंड में पैरेलल, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तब बताना है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तब बताना है। आप बताओ कितना होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।